हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, 360 वैम मतलब कि गाइस, इसको पहले नाम दिया गया था डबल IFL वेल्थ मैनेजमेंट का, जो है सो फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। 4 रुपीज़ का गाइस यहाँ पे सेकेंड इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसका मतलब कि गाइस यहाँ पे रिकॉर्डेड 28 जुलाई 2023 का रखा गया। तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पे, जो कि गाइस पहले हम लोग कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करेंगे, जो कि नंबर करोड़ में है। इनकम है 566 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 529 करोड़ का, और जून 22 क्वार्टर में 479 करोड़ का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस है 342.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 329 करोड़ का, और जून 22 क्वार्टर में 277 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज किया। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया 223 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 200 करोड़ का, और जून 22 क्वार्टर में 201 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में तेजी देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का जो निकल के आया है गाइज 183 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 155 करोड़ का, और जून 22 क्वार्टर में 156 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में तेजी देखने को मिल रहा है। EPS 5.05 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में तेजी देखने को मिला है। तो गाइज़ यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट से कंपनी का पेश हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, तो यहाँ पे कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। अगर हम लोग इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करें, तो कंपनी का नंबर करोड़ में है। इनकम है 158 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 144 करोड़ का, और जून 22 क्वार्टर में 64 करोड़ का इनकम है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यहाँ पे तेजी है, ईयर ऑन ईयर में भी तेजी देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस है यहाँ पे कंपनी का 42 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ का, और जून 22 क्वार्टर में 32 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज किया। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया 115.99 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 103.7 करोड़ का, और जून 22 क्वार्टर में 31.7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में तेजी देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 115.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 94 करोड़, और जून 22 क्वार्टर 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में तेजी देखने को मिल रहा है। EPS 3.18 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, दोनों में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है। तो गाइज कंपनी का ओवरऑल जो रिजल्ट आया है गाइज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट यहाँ पे कंपनी पेश किया। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।